नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संभल होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संभल रहें। दोस्तों, जो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हमेशा, जैसे घर में पैसे नहीं टिकना, पैसे आते तो हैं लेकिन घर में टिकते नहीं हैं। सोने के लिए हम बेड पर जाते हैं लेकिन जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं नींद उड़ जाती है, और अगर नींद आती है तो बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। घर में ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति हमारे सिवाय भी मौजूद है। किसी की मौजूदगी का एहसास होना, वो एहसास जो नेगेटिविटी का अनुभव करवाता है, ऐसा होता है। काम होते होते रुक जाते हैं, लगता है आज हो जाएगा काम, आज हो जाएगा, लेकिन होने के समय कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। घर में बच्चे जवान हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही है, या शादी कर देने के बाद भी शादीशुदा जिंदगी में शांति नहीं है। मन मोटा है, लड़ाई है, झगड़ा है, दिमाग को शांति नहीं है, दिमाग व्यग्र रहता है। घर के माहौल में गर्मी रहती है, नौकरी लगती नहीं है, लगती है तो चलती नहीं है। ऐसे ढेरों सारी प्रॉब्लम्स तब डेवलप होती है दोस्तों जब आपको पितृ दोष होते हैं। वैसे और भी बहुत सारे दोष आपको तकलीफ दे रहे होते हैं लेकिन तमाम दोषों में पितृ दोष भी एक बहुत बड़ा दोष है, और ज्यादातर लोगों की कुंडली में मैंने देखा है पितृ दोष होता है। दूसरा, काल सर्प योग। ये ऐसे योग है आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सुबह बहुत अच्छे से अपने काम की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं लेकिन अचानक पता चला कि सब कुछ खत्म हो गया। आपकी हजारों रुपए की आवक एक क्षण में बंद हो गई। घर आपने बनाया था लेकिन एक सेकंड में आपने उसको खाली करना पड़ा। शादी होने जा रही थी, बिल्कुल लास्ट टाइम में रिश्ता टूट गया। सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसे लाइफ में अचानक भूकंप आता है ना। तो याद रखिए, आपके कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प योग होता है। मैं हमेशा बताती हूँ, घर में एक तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं, दूसरा पारद शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आप हर तरह की पूजा कर सकते हैं, और गृहस्थ व्यक्ति घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकता है। दूसरे शिवलिंग नहीं, सिवाय की पारद शिवलिंग हो। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का रूप है। पारा को आप ऐसे पकड़ नहीं सकते, इसको धातु में मिला करके और इसका शिवलिंग बनाया जाता है। हमारे यहाँ से जो ये शिवलिंग मिल रहे हैं अभिमंत्रित और बिल्कुल प्योर। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि क्या ये प्योर है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ से पारे का शिवलिंग आप ले रहे हैं, दुनिया में कहीं भी दिखा दीजिए, कहीं भी। अरे आप उसको किसी तांबे के पीतल के पात्र में, सोने के पात्र में रखो उसको 8-10 दिन, वो पात्र आपका पारे का हो जाएगा, पारा हो जाएगा उतना पूरा, सबसे बड़ा प्रमाण। तो घर में आपको पारद का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। इन केस पारद का नहीं कर सकते हैं तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग, वो भी हमारे यहाँ से बिल्कुल करंट आपको मिलता है, बिल्कुल ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग, उसकी आप स्थापना करें। रोज उस पर कच्चे दूध में तिल मिला करके, काले तिल मिला करके उसमें चढ़ाएं, और ये जो चीज है जिसे नागमणि कहा जाता है, ये लकड़ी है बिल्कुल नाग जैसी, आप इसको देखो, आपको एक बार यही लगेगा कि ये सांप है। बिल्कुल सांप के होने का, नाग के होने का एहसास करवाती है, इसे नागमणि कहा जाता है। ये नागमणि स्टोन नहीं है, ये लकड़ी है, बिल्कुल नाग जैसी बनी हुई है। ये आप एक भी ले सकते हैं और इसका जोड़ा भी ले सकते हैं, और इसको आप पूजा स्थान में रखें, जहाँ भी आपने शिवलिंग रखा है वहाँ पर रखें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो ये चीज आप जाकर के शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके आए, आपको काल सर्प योग से मुक्ति मिलेगी। जो भी आपकी लाइफ में तकलीफें हैं, कई लोगों की लाइफ में आप देखो, उनको किसी रिलेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हर रिश्ते में धोखा, आप इस चीज को जरूर लें। ये जो बूटी है बिल्कुल नागमणि, ऐसे मैंने बताया था ना शिवलिंग, शिवलिंगी वो भी लकड़ी की छोटी सी बूटी होती है,
बिल्कुल शिवलिंग के आकार की बनी हुई होती है, ऐसे सांप के आकार की बनी हुई होती है। इसको आप भगवान शिव को अर्पित करें, घर में पूजा स्थान में रखें। आप देखेंगे जिनके शादियां नहीं हो रही है उन्हें भी बहुत अच्छा इससे फायदा होगा। जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, रिलेशनों में धोखा मिल रहा है, वे भी इसको पूजा स्थान में शिवलिंग के पास रखें। भगवान शिव को नाग नागिन की जोड़ी अर्पित करें। अपनी मध्यमा उंगली में नाग नागिन की जोड़ी या सिर्फ एक नाग, वो भी आप पहन सकते हैं तांबे का या चांदी का। इन दोनों तीनों क्रियाओं से, जैसे चांदी का नाग पहनना या तांबे का पहनना या नागमणि को रखना पूजा में और हमेशा इसकी पूजा करते रहना, घर में इसको स्थान देना, ये तमाम वो चीजें हैं जो आपको पितृदोष काल सर्प योग से मुक्ति दिलाती हैं, रिलेशनों को अच्छा बनाती हैं, धोखा धोखे से बचाती हैं, लोगों का प्रेम आपको प्राप्त होता है, जो भी बुरी चीजें हैं उनसे छुटकारा दिलाती हैं। तो जरूर आप इसको भगवान शिव को अर्पित करें या अपने मंदिर में रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।